हेलो दोस्तों, मैं हूं वर्षा और आप सबको एक बार फिर से स्वागत करती हूं मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं मटर पनीर पुलाव का रेसिपी, वो भी बहुत सारा टिप्स के साथ। मेरे हर टिप्स को आप फॉलो करें और घर में बनाएं बहुत ही मज़ेदार होटल जैसा मटर पनीर पुलाव। तो चलिए इस रेसिपी को हम बिना देरी किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए हमें साबुत मसाला में चाहिए 3 तेजपत्ता, 2 बड़ी इलायची, 5 हरी इलायची, 20 साबुत काली मिर्च, 2 चक्रफूल, 2 छोटी दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग, 250 ग्राम पनीर। पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। 1 कटोरी मटर, 2 बारीक चॉप किया हुआ मीडियम साइज का प्याज, 1 गाजर को मैंने छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है, 1 छोटा टुकड़ा चॉप किया हुआ अदरक, 4 चॉप किया हुआ लहसुन का कलिया, 1 हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपना हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, थोड़ा सा काजू और किशमिश आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, 1 मीडियम साइज का आलू को मैंने मीडियम साइज में कट कर लिया है। आलू बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 250 ग्राम बासमती चावल, कोशिश करें बासमती चावल ही यूज़ करने के लिए, उसी से पुलाव हमारा ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने इसी कप का मेजरमेंट से चावल को मेज़र किया है। आप जिस कप से भी चावल को मेजरमेंट करते हो उसी कप से बाद में हमें पानी का यूज़ करना है, तो ध्यान रखिएगा ये बात को। और लास्ट में सबसे महंगा वाला सामान नींबू। नींबू आप लोगों का जगह में कितना प्राइस का है बताइएगा ज़रा, हमारे यहाँ पे तो 2 में 10 रुपया का मिल रहा है अभी। अब हम सबसे पहले चावल को अच्छे से 2 से 3 बार धो के भिगा के रख देंगे आधा घंटे के लिए। तो चावल को मैंने पहले ही अच्छे से धो लिया है, अब हम चावल को भिगा के रख देंगे आधा घंटे के लिए। मटर को हम सबसे पहले 10 मिनट के लिए उबाल लेंगे। 10 मिनट हमारा पूरा हो गया है, देखिए मटर भी कितना अच्छे से पक गया है। अब हम गैस का स्टोव को भी बंद कर देंगे यहीं पर और मटर को साइड करके रख देंगे। पैन को मैंने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था गैस के ऊपर में। अब मैं यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल के काजू को फ्राई कर लूँगी। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काजू फ्राई करने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम काजू को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम को लो में रखते हुए इसी तरीके से चलाते हुए हम काजू को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। तो देखिए काजू का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे फटाफट पैन से निकाल लेंगे। इसी पैन में हम किशमिश को भी फ्राई कर लेंगे, बस हल्का सा भून लेंगे हम, बहुत ज़्यादा भी इसे फ्राई नहीं करना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है। तो देखिए किशमिश हमारा अच्छे से फ्राई हो गया है, अब इसको भी हम पैन से निकाल लेंगे फटाफट। इसी तेल में अब हम पनीर को भी फ्राई कर लेंगे, एक एक करके सारा पनीर को हम इसी पैन में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। गैस का फ्लेम को मीडियम में रखते हुए दोनों साइड को पलटते हुए हमें पनीर को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए पनीर हमारा दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गया है, पनीर का कलर भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम गैस का स्टोव को बंद करके इसी तरीके से पनीर को छोड़ देंगे। एक पतीला में मैंने पहले से ही पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ था, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से पानी और नमक को मिक्स कर लेंगे। गैस का स्टोव को भी इस टाइम पे बंद कर लेंगे। अब हम इसी पानी में सारा पनीर का क्यूब सबको डाल लेंगे। ऐसा करने से क्या होता है ना, आप पनीर का कुछ भी रेसिपी बनाओ बार बार जैसे गर्म करते रहने से पनीर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं होगा।
आप फ्राई करके भी इस तरीके से डाल सकते हो और बिना फ्राई करके भी इस तरीके से पानी में डाल के रखने से पनीर बिल्कुल भी होटल जैसा सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा। पनीर को हम ऐसे ही गर्म पानी के अंदर में आधे घंटे तक सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक पैन में आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू को अगर आप छोटा छोटा पीसेस में कट करते हो तो इसको फ्राई करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आलू को बड़ा बड़ा पीसेस में कट किया है, तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेने से बाद में पुलाव में डालने से ये जल्दी पक जाएगा। आलू को हमें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही पकाना है। तो आलू देखिए अच्छे से फ्राई भी हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है, तो आलू को भी हम अब इस पैन से निकाल लेंगे। तो अब हम दूसरा कढ़ाई में पुलाव को बनाना स्टार्ट करेंगे। इस कढ़ाई में मैं एक बड़ी चम्मच घी डाल लूँगी पहले। तो देखिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम यहाँ पे एक बड़ी चम्मच जीरा, एक तिहाई चम्मच हींग और सारा खड़ा मसाला को डाल लेंगे। खड़ा मसाला डालने के बाद बस थोड़ा सा इसे भून लेना है। चॉप किया हुआ प्याज को डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। चॉप किया हुआ हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको एक साथ। प्याज को हल्का सा कलर चेंज होने तक हमें अच्छे से पका लेना है। तो देखिए प्याज का हमारा कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसको चला लेंगे एक बार अच्छे से। अब हम यहाँ पे कट करके रखा हुआ गाजर का पीसेस और चावल को भी डाल देंगे। अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेंगे सबको। फ्राई किया हुआ आलू सबको भी डाल देंगे। अच्छे से एक बार फिर से मिला लेंगे सबको। अब हम सारा मसाला सबको ऐड कर लेंगे। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, और अपना टेस्ट के अनुसार नमक डाल लेंगे। अब हम सबको एक साथ अच्छे से मिला लेंगे। जिस कप से चावल का मेजरमेंट लिया था उसी कप से हमें पानी डालना है। उसी कप से मैंने पानी 2.5 कप डाला है टोटल। उससे ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना डालें, नहीं तो पुलाव हमारा बिल्कुल भी खिला खिला नहीं बनेगा, चिपका चिपका सा बनेगा, खा के भी अच्छा नहीं लगेगा ऐसे बनने से। तो अब हम जो नींबू लिया था ना, नींबू का आधा पीस कर रस निचोड़ के पूरा डाल देंगे। ऐसा करने से क्या होता ना, चावल पूरा खुला खुला बनता है, बिल्कुल भी रेस्टोरेंट जैसा। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप थोड़ा सा विनेगर वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको एक साथ। अब हम ढक्कन को लगा के इसे 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। पुलाव पकने तक हम उसके साथ खाने के लिए रायता का तैयार कर लेते हैं। रायता बनाने के लिए मैं 1/2 कप दही लिया है, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच काली नमक
अच्छे से सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। मैं मेरे पास ऐसे कॉफ़ी बीट करने वाला एक मशीन है, उसी से जब भी रायता बनाती हूँ उसी से मैं मिक्स करती हूँ। तब क्या होता ना, रायता का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी सा बन के आता है। आपके पास ऐसा मशीन नहीं है तो आप चम्मच से नहीं तो विस्कर से भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए दही हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है, आप देख सकते हो दही का टेक्सचर भी कितना क्रीमी सा बन के आया है। एक छोटा साइज का बारीक कट किया हुआ टमाटर, एक छोटा साइज का बारीक कट किया हुआ प्याज, आधा हिस्सा ग्रेट करके रखा हुआ गाजर, थोड़ी सी चॉप किया हुआ धनिया, येलो कैप्सिकम, आपके पास नहीं है तो इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, और थोड़ी सी चॉप किया हुआ पुदीना। अब हम सारा चीजों को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सारा वेजिटेबल्स दही के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है, हमारा रायता तैयार हो गया है खाने के लिए। अब हम इसमें अपना टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेंगे। इसमें एक ध्यान रखने वाली बात क्या है ना, आप जिस टाइम पे पुलाव खाओगे उसी टाइम पे रायता में नमक डालो, उससे पहले अगर नमक डालते हैं ना थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाता है और रायता भी पतली हो जाती है। तो इसलिए जिस टाइम पे आप पुलाव खाते हो उसी टाइम पे नमक डालो, और नमक डालने के टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि हमने पहले भी काली नमक का यूज़ किया हुआ है। तो 20 मिनट हमारा पूरा हो गया है, अब हम ढक्कन को निकाल के पुलाव को चेक कर लेंगे। अब इस टाइम पे हम 1/3 चम्मच केवड़ा वाटर भी डाल देंगे। केवड़ा वाटर बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। बॉइल किया हुआ मटर, भुना हुआ काजू और किशमिश, और सबसे लास्ट में हम फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों को एक साथ। मटर को मैंने पहले इसीलिए बॉईल करके रखा था, थोड़ा सा मटर ज्यादा कुक होने से क्या होता है ना, थोड़ा सिकुड़ जाता है। ऐसे करने से बिल्कुल भी मटर का कलर भी चेंज नहीं होगा और मटर सिकुड़ भी नहीं जाएगा, बहुत ही अच्छा और खिला खिला बनेगा। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब बस ढक्कन को लगा के हम इसे एकदम ही लो फ्लेम पे 2 मिनट तक पका लेना है। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो अभी के अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी आप लोगों के लिए मज़ेदार वाला नए नए रेसिपीज लाते रहने का मौका मिलते रहे। और हाँ, मेरी इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। तो 2 मिनट हमारा पूरा हो गया है, अब हम ढक्कन को निकाल के पुलाव को चेक करेंगे। तो पुलाव हमारा बन के तैयार हो गया है, आपको मैं दिखाती हूँ पास से, चावल का दाना भी कितना खिला खिला बना है और मटर भी बिल्कुल भी ताज़ा ताज़ा दिख रहा है। तो देख सकते हैं आप हमारा पुलाव कितना अच्छा बना है, देखने में भी ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार का बनता है। तो देखिए आप देख सकते हैं पुलाव हमारा कितना अच्छा बना है, अब हम इसको प्लेटिंग भी कर लेते हैं। चलिए पुलाव को एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है और साइड में रायता भी रख लिया है। अब हम पुलाव के ऊपर में थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया गार्निश कर देंगे ताकि देखने में और भी अच्छा लगे पुलाव हमारा। रायते के ऊपर में भी थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ गाजर और धनिया डाल देंगे।
तो आप देख सकते हैं पनीर भी कितना सॉफ्ट बना है, बिल्कुल भी होटल जैसा। देखिए इसको ऐसे दबाने से फिर अपना शेप में फिर से वापस आ रहा है पनीर। आप इस रेसिपी को अपना घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें।